वैत गदाधर श्रीवासादी गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वैत गदाधर श्रीवासादी गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानति मिराम दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मिथिलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आ करके सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करेंगे और स्वयं कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी का भाव और अंग कांति लेकर के आएंगे, ये कहां कहां पर प्रमाण है। इसलिए अभी तक हम लोगों ने जो ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत का कथा हम लोग को श्रवण कर रहे थे, अभी हम और सुनेंगे और कौन सा ग्रंथ में क्या क्या प्रमाण है। कहते श्री महाभारत में भी प्रमाण है, बोले सुवर्ण वर्ण हेमांग, उसके बाद में आप जोर से बोलो सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांग संन्यास क्रीम शांति शांत निष्ठा परायण शांति निष्ठा परायण। इसलिए ये महाभारत में भी बताए कलयुग में महाप्रभु आएंगे, ये कहाँ का श्लोक है, महाभारत का है। बोले जब वो गृहस्थ लीला में रहेंगे उनको चार लक्षण हैं, जब वो संन्यास ग्रहण करेंगे उनके अंदर में भी चार लक्षण हैं। क्या क्या है, बोले सुवर्ण वर्ण है मांग, कहते उनका जो शरीर का रंग होगा सुवर्ण वर्ण होगा, सुवर्ण सुवर्ण जैसे सोने जैसे रंग। बोले क्यों ना, कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के आएंगे, इसलिए उनका नाम गौर हरि पड़ेगा। गौर मतलब गौरी श्रीमती राधा रानी, हरि मतलब ये कृष्ण, इसलिए इनका नाम गौर हरि मतलब राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के ये रूप धारण करेंगे। बोले सुवर्ण वर्ण हेमांग, हेमांग मतलब बोले जोर से बोला हेमांग मतलब
इसलिए है मतलब होता है सोना, गौर भी होता है, गौर रंग भी वो सोना रहेंगे। सुवर्ण वर्ण हेमांग बरांग चंदन अंगधी, बरांग मतलब होता है बर, मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ अंग, मतलब महाप्रभु के अंदर में जो रूप है कृष्ण कितने सुंदर है, है? कृष्ण अपूर्व सुंदर कृष्ण है। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर्ण नहीं। अगर तुम लाली होता ना, लाली नहीं बनकर, लाला नहीं बनकर के लाली होते तो तेरे को पाने के लिए सबके सब आपस आपस में लड़ाई झगड़ा करके मर, हाँ युद्ध करके सब सब खत्म हो जाते। अच्छा हुआ तुम लाली नहीं होने करके लाला हो। इसलिए कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम, इसलिए कोटि कामदेव भी जिनको दर्श जिनकी सुंदरता को सामने तुच्छ हो जाएंगे, ऐसे श्रीमान कृष्ण है। और राधा रानी कैसे है, बोले कृष्ण को उनका रूप राधा रानी को भी मात करने वाले, कृष्ण को भी मात करने वाले श्री राधा रानी, अपूर्व सुंदरी श्री राधा रानी। कहते राधा रानी कितने सुंदरी है, राधा रानी कितने सुंदरी है। इसलिए उदाहरण दिया कि ये पृथ्वी लोक में जितने स्त्रियां हैं, स्त्रियों के अंदर में जितने सुंदरता उसको मिला दो, मिलाने पर कहते स्वर्ग में जो रंभा उर्वशी मेनका होती है उनका उनको एक को साथ में बराबर होगा ये पृथ्वी में जितने स्त्रियों का सुंदरता को मिलाने पर। कहते स्वर्ग में जितने रंभा उर्वशी मेनका रहती है, कहते इनकी सारे सुंदरता को अगर मिला दिया जाए तो कहते किसको साथ में बराबर होगा, कहते एक लक्ष्मी को साथ। कहते ऐसे अनंत लक्ष्मियां हैं, कहते अगर इनकी सुंदरता को अगर एकत्रित कर दिया जाए कहते एक गोपी को साथ में बराबर होगा, इतने सुंदर गोपियां। इसलिए कृष्ण कभी कभी कहती हैं, हे हैं हे क्या है, कहते हे सुमध्यमा, हे सुमध्यमा, सुमध्य मतलब सुमध्य सुंदर, मध्यम मतलब जिनका कमर बड़ी सुंदर है, अपूर्व सुंदर ब्रज गोपियां। कभी राधा रानी कितना सुंदरी है, कभी गोपियों की सारे सुंदरता को एकत्रित करने पर भी कभी राधा रानी की चरण की नख की छटा में ही इनका सारे सुंदरता समा जाएगी, इतने श्रीमती राधा रानी, इतने सुंदर राधा रानी। इसलिए कृष्ण कितने सुंदर, राधा रानी कितने सुंदरी, कभी इन्हें सुंदरता जब एक साथ में मिल जाए तो फिर वो कितने सुंदर नहीं होंगे, है? इसलिए बहु कोटि चंद्र जिनी बदना उज्ज्वल, बहु कोटि चंद्र जिनी। इसलिए महाभारत में बताए सुवर्ण वर्ण हेमांग बरांग, बरांग मतलब सर्वश्रेष्ठ अंग जिनको, बड़े सुंदर है महाप्रभु, है बड़े सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु। बरांग चंदन अंगधी, इसलिए जिनको शरीर में हर समय है भक्त लोग बड़े सुंदर चंदन को द्वारा ठाकुर को चंदन चर्चित नील कर उनको बड़े सुंदर चंदन से उनको श्रृंगार करते हैं। कहते जब वो गृहस्थ लीला में उनको अंदर में ये चार लक्षण है, लेकिन जब वो संन्यास लेंगे उनके अंदर में भी चार लक्षण, बोले संन्यास क्री, एक तो उनका संन्यास ग्रहण करेंगे संन्यास कृत, उसके बाद में संन्यास कृत शांति शांति निष्ठा पराय, संन्यासकृत संन्यासी शांत, हाँ संन्यासी शांत, महाप्रभु बड़े शांत है, बड़े धीर स्थिर, बड़े गंभीर महाप्रभु, बड़े दयालु, बड़े महाप्रभु, बड़े कृपालु है। इसलिए संन्यासकृत शांत शांति, बड़े शांति युक्त और बड़े निष्ठा परायण, हाँ इसलिए बड़े निष्ठा पर। कहते उनकी सन्यासी जब गृहस्थ लीला में भी उनके अंदर में चार लक्षण दिखेगा, और जब वो सन्यासी ग्रहण करेंगे उनके अंदर में भी ये चार लक्षण है। कहते ये महाभारत का ये श्लोक है। कहते और कहाँ कहाँ पर, बोले गरुड़ पुराण में बताए, बोले गरुड़ पुराण में क्या है, बोले अहम पूर्ण भविष्यामि जुगत है।
शेषत पुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुत संध्यायां लक्ष्मीकांत भविष्यामि तारुक सन्यासी ग्रह कति गौरव पुराण में भी श्लोक श्लोक याद है, श्लोक को याद करनी चाहिए। इसलिए कहते भगवान कैसे अवतीर्ण बोले अहम पूर्ण भविष्यामि युग धर्म विशेषत, कहते मैं कलयुग में मैं पूर्ण रूप में कलयुग में पूर्ण रूप में मैं जन्म ग्रहण करूंगा। क्यों बोले युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन करने के लिए प्रचार करने के लिए बोले कहाँ पर जन्म ग्रहण करूंगा, बोले मायापुरे नवद्वीपे, महाप्रभु जो मायापुर में श्री नवद्वीप में जन्म ग्रहण करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है। और कहते भविष्यामि सची सुत, कहते मेरी मैया का नाम क्या होगा, मैया का नाम होगा सची मैया, हाँ सची, इसलिए सची सुत उनका नाम है। ये श्लोकों को ना हो सकते याद कर लेना, क्योंकि जब हम कहीं बाहर प्रचार करने जाते हैं है, हम लोग सबका खंडन करते हैं, ये अवतार नहीं, ये अवतार नहीं, ये अवतार नहीं है। लेकिन कलयुग में कौन है, श्री सचिनंदन गौर हरि ही कलयुग का अवतार। पूछेगा प्रमाण कहाँ है, प्रमाण कहाँ है तुम लोगों के पास में, कभी ये श्लोकों को याद कर लेने चाहिए है। इसलिए गरुड़ पुराण का ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। और एक श्लोक है बोले कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांत भविष्यति, बोले कलयुग का प्रथम संध्या में लक्ष्मीकांत भविष्यति, कहते उनकी पत्नी का क्या नाम होगा, यहाँ पर भी बताया मेरी पत्नी का नाम होगी श्री लक्ष्मी प्रिया और एक पत्नी का नाम होगी विष्णु प्रिया, इसलिए मैं लक्ष्मीकांत भविष्यति लक्ष्मीकांत रूप में, बोले कहाँ जाकर के रहूंगा, जब तक लक्ष्मीकांत बनेंगे कहाँ पर रहेंगे, वो कहते हैं वो नवद्वीप में, उस समय रहेंगे नवद्वीप में, लेकिन जब वो सन्यासी ग्रहण करेंगे फिर कहाँ पर जाएंगे। देखो ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, कहते कल बोले दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, जब मैं सन्यासी ग्रहण करूंगा मैं दारु ब्रह्म निकटस्थ, दारु ब्रह्म कौन है, श्री जगन्नाथ जी। देखो श्री गंभीरा में महाप्रभु रहेंगे, ये गरुड़ पुराण में ये पहले लिखा हुआ, महाप्रभु गंभीरा में आकर के जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में निवास करेंगे, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इस श्लोकों को याद कर लेना, गरुड़ पुराण में बताए, कहते ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में बताए बोले कलम प्रथम संध्यायाम गौरांग अहंग महीतले भागीरथी भूमि भूमि भविष्यामि सनातन, ये ब्रह्म पुराण में बताए, क्या बताए बोले कले प्रथम संध्यायाम, कलयुग का प्रथम संध्या में, प्रथम संध्यायाम गौरांग अहंग महीतले, ये पृथ्वी में महाप्रभु का नाम श्री गौरांग नाम होगा है, गौरांग नाम होगा यहाँ पर बताए ब्रह्म पुराण में, गौरांग अहम महीतले, ये पृथ्वी में मैं गौर हरि रूप में श्री गौरांग महाप्रभु रूप में अवतीर्ण होऊंगा। बोले कहाँ पर अवतीर्ण होंगे, बोले भागीरथी भूमि भविष्यामि सनातन, महाप्रभु गंगा किनारे में जन्म ग्रहण करेंगे, मायापुर श्री नवद्वीप धाम में गंगा किनारा में जन्म ग्रहण करेंगे, ये श्लोक भी ब्रह्म पुराण में बताए। कहते श्री बाई पुराण में बोले शुद्ध गौर सुधीर धांग गंगा तीरे समुद्भव दयालो कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलो जुगे, बाई पुराण में बताए बोले शुद्ध गौर सुधीर धांग गंगा तीरे समुद्भव, कहते मैं गंगा किनारा में मैं जन्म ग्रहण करूंगा, मेरे रूप कैसे होगा, मेरे शुद्ध गौर सुदीर्घांग, इसलिए महाप्रभु के लिए बताते ना कैसे महाप्रभु, कहते जो महापुरुष का जो लक्षण है उनका जो हाथ कैसे होता है, आजानो लंबित भुजो है, उनका जो आजान लंबित भुजो होगा, उनका जो हाथ होगा जानू तक उनका हाथ होगा, उनका अंदर में 26 लक्षण दिखाई पड़ेगा, हम आगे जाकर सुनेंगे 26 लक्षण महाप्रभु का अंदर में क्या क्या
ये 26 लक्षण था। कहते महाप्रभु शरीर में बड़ी सुंदर, महाप्रभु जो जब दोनों हाथ उठा करके हा कृष्ण बोल करके महाप्रभु भक्तों के साथ नृत्य करते थे, भक्त लोग देख करके एकदम आश्चर्य हो जाते, बड़े सुंदर श्री महाप्रभु। बोले सुदीर्घांग गंगा तेरे, बोले समुद्र भव दयालु, कहते गंगा समुद्र भव, बोले दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामी कलिजुगे, बोले कलिजुग में अवतीर्ण होकर क्या करूंगा, बोले सब जीवों जीवों को ये हरिनाम कीर्तन विद्दूंगा, नाम प्रेम माला गाती पढ़ा लो सब जगत जने। उन्होंने नाम रूपी एक माला को उन्होंने बना करके सब जीवों को गला में एक एक माला उन्होंने पहना लिया। मतलब क्या है, महाप्रभु सबको बोले क्या करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कदी जो श्लोक है, कदी ये वायु पुराण में ये श्लोक बताए, बोले श्री उप पुराण में बोले अहम एव क्वचित ब्रह्मण संन्यास्याश्रममाश्रित हरि भक्ति ग्राह्यामि कलौ पाप हत नरान। कदी उप पुराण का ये श्लोक है, ये श्लोक याद है किसको, याद है ना, कोशिश करना टाइम टाइम पर श्लोकों को याद करने के लिए, क्योंकि हम लोग महाप्रभु ही हमारे मूल उपास श्री चैतन्य महाप्रभु। अगर ये श्लोक याद नहीं रहेगा ना, कहीं जाओगे अगर बोलोगे अरे ये अवतार नहीं, ये अवतार नहीं है, जगत में कितने अवतार हैं, कोई बोलेगा तुम लोग जो महाप्रभु को उपासना करते हो कोई प्रमाण क्या है कहीं शास्त्र में, कहाँ पर लिखा हुआ है कलयुग में महाप्रभु आएंगे, कहते ये सारे प्रमाण है, इतने सारे श्लोकों को पूरा के पूरा श्लोक 5 श्लोक है ये श्लोकों को याद कर लेना। इसलिए कहते अहम एव क्वचित ब्राह्मण संन्यास समम आश्रित, कहते मैं ब्राह्मण घर में मेरा जन्म ग्रहण होगा है, और मैं संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हुए क्या करूंगा, हरि भक्ति ग्रहयामि कलौ पाप हत नरान, मैंने पाप युक्त तो जो व्यक्ति है इनको मैं कलयुग में अवतीर्ण होकर के हरि भक्ति में ये जीवों को हरि भक्ति प्रदान करूंगा। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु सर्वत्र प्रचार, जब नवद्वीप में थे तभी भी महाप्रभु प्रचार किया, उसको बाद में संन्यास लेने का बाद महाप्रभु ने 6 साल तक उन्होंने सर्वत्र उन्होंने भ्रमण करते हुए सर्वत्र उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन को महाप्रभु ने प्रचार किया है। यदि ये उप पुराण में ये प्रमाण है, बोले कले प्रथम संध्याया गौरांग अहंग महीतले भागीरथी तट रम्या भविष्यति सनातन। यदि ये भी एक श्लोक है, बोले कलो प्रथम संध्याया, कलियुग का प्रथम संध्या में गौरांग अहम महितले, ये पृथ्वी में श्री गौरांग महाप्रभु का रूप में अवतीर्ण होकर के बोले कहाँ पर जन्म लूंगा, बोले भागीरथी तटे, भागीरथी श्री गंगा है, गंगा की तट में मैं जन्म ग्रहण करके क्या करूंगा, भविष्यति सनातन, मैं सनातन रूप में है, बोले पूर्णम ब्रह्मम सनातन, कहते मैं जगत में सब जीवों को मैं हरि भक्ति प्रदान करूंगा। इसलिए बहुत बहुत सारे पुराण में महाप्रभु कलयुग में जो आएंगे, बहुत बहुत पुराण में इसका बहुत प्रमाण है। कहते महाप्रभु इसी जगत में जो आए हैं, कहते महाप्रभु इसी जगत में जो आए हैं तब उन्होंने आए क्यों, तब इसी विषय में हमारे श्री गुरुपाद पद्म कहते हैं महाप्रभु जो आए हैं, कहते विशेष करके जितने भी बहुत सारे कारण हैं तब हमारे गुरुदेव क्या कहते, विशेष करके उसमें 4 विशेष कारण है, कहते 2 साधारण कारण है और 2 विशेष कारण है, कहते जो 2 जो गौण कारण है, जो 2 उसमें गौण कारण है, क्या 2 गौण कारण है, बोले गौण में जो गौण कारण है, बोले कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन और एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन,
कलिजुग का जो युग धर्म है ये श्री हरिनाम संकीर्तन कलिजुग का युग धर्म है। इसलिए महाप्रभु कलिजुग में ये युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन गुण में प्रचार करने के लिए आए हैं। और आकर के उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने बहुत सारी जगह पर महाप्रभु ने ये हरिनाम को विषय पर महाप्रभु ने बहुत बहुत कुछ बात बताई। प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र यह जप किया सबे करिया निर्बंध यह इते सर्व सिद्धि हैवे सबार सर्व क्षण बोलो इते विधि नाया। इसलिए ये महाप्रभु का ये मुख निश्चित ये वाणी है। प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, महाप्रभु ने कहा मैंने ये महामंत्र तुम लोगों को दिया है, क्या करो यह जप किया सबे करिया निर्बंध, ये हरिनाम कीर्तन को नियम करके ये हरिनाम को जप करने चाहिए। निर्बंध मतलब होता है संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, इसलिए संख्या पूर्वक ये हरिनाम को ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन इसी विषय पर है ना बहुत लोगों का बहुत मतवाद है। कुछ लोग तो कुछ ऐसे बाबा जी संप्रदाय वो बोलेंगे नित्य गौर राधे श्याम और हरे कृष्ण हरे राम, और कुछ संप्रदाय है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, ऐसे कुछ संप्रदाय का लोग ये भी बोलते हैं, हैं? बोलते भैया ये नाम तुम लोगों को मिला कहाँ से, ये कोई कोई कहते बोले हमारे जो गुरुदेव है ना ये गुरुदेव को ये स्वप्न में मिला है, गुरुदेव को ये स्वप्न में मिला। इसी विषय पर बड़ी लड़ाई झगड़ा है। इसलिए देखना कुछ बाबा जी संप्रदाय का जो लोग है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र को हम लोग गाते हैं ना जोर जोर करके, जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते देखना वो लोग नहीं गाते हैं, बोले नहीं नहीं श्री कृष्ण चैतन्य जब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद नित्य गौर राधे श्याम हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण हरे राम, क्या करो नित्य गौर राधे श्याम है इसको तो जोर से बोलो, और जो हरे जप हरे कृष्ण हरे राम, जो हरे कृष्ण हरे राम को क्या करनी चाहिए उसको जप करनी चाहिए। बोले ये नाम को जोर जोर से नहीं करनी चाहिए, जोर जोर से ये गांव गांव में हमारे उड़ीसा में भी ये हम भी जब गांव में थे हम भी ऐसे करते थे नित्य गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, पहले बोलते थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे भक्त, क्योंकि सर्वत्र इसे प्रचार का अभी भी उड़ीसा में बहुत सारी जगह पे अभी भी यही नाम को करते हैं। और इसी विषय को लेकर के बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ा, इसी बात को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा है बंगाल में भी उड़ीसा में भी सर्वत्र ये बाबा जी लोगों ने इस जगत का प्रचार किया है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते बोले नहीं, बोले गौर जे लवाई ल नाम सही नाम लो और जतो छड़ा नाम दूरे दिखेला, बोले श्रीमान महाप्रभु ने जो नाम लिया है उसी नाम को ही लो और जतो छड़ा नाम दूरे रखे दाओ है बाद में, और जितने छड़ा नाम मतलब होता है बाद में लोगों ने जो नया नया नाम प्रचार किया है इसको क्या करो उसको दूर में रख लो है। बोलते नहीं हमारे गुरुदेव को स्वप्न में मिला, बोले अगर तुम्हारी गुरुदेव को स्वप्न में मिला, अगर मैं बोलूंगा मेरे गुरुदेव को ये नाम स्वप्न में मिला और ये तो बोलेगा नहीं मेरे गुरुदेव को नाम को ये स्वप्न में मिला, अगर सभी को अगर स्वप्न में मिलने लग जाए, पर जो शास्त्र में जो बताया गया है शास्त्र में जो बताया गया नाम पर उसका क्या महत्व है, है? हमारे शास्त्र में जो कलि संतरण उपनिषद है इसलिए गरुड़ पुराण है और हमारे और कौन सा अनंत संहिता में ये पहले ही सत्य युग से सब लिखा हुआ है, है? और शंकर जी कहते हैं इति षोडश नामनम कलि कल्मष नाशनम नाथ परत उपाय सर्वदेशो दृश्यते, समस्त वेद में दिखाई क्या दिखाया गया इति षोडश नामनम कलि कल्मष नाशनम, ये जो सोलह नाम ही कलिजुग का कल्मष को नाश करने वाले, इसलिए पहले ही हमें कलिजुग में आकर के कोई नया नाम को हमें सृष्टि करनी नहीं चाहिए, कि तो पहले ही सब बात बता कर गए। सत्ययुग में क्या कौन सा मंत्र था सत्ययुग का मंत्र कौन बोलेगा, बोलो कौन सा मंत्र जप करते थे, बोलो कौन सा नाम
हाँ, इसलिए ये सत्यजु का ये मंत्र है, ये सत्यजु का मंत्र है। इसलिए कहते नारायण परावेदा, नारायण परामोक्ष, नारायण परावृत्ति, नारायण परामुक्ति। सत्यजु का लोग यही नाम जप करते थे, इसी से उनका कल्याण होता था। त्रेता युग में कौन सा नाम था बोलो? हाँ, कहते राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसार हरे वैकुंठ वामन। कहते ये त्रेता युग का लोग ये नाम को जप करके उनको यही त्रेता युग का मंत्र था। बोले द्वापर युग में कौन सा नाम है? बोले हरे मुरारी मधुकुट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्षा। द्वापर युग का लोग यही मंत्र जप करते थे। बोले कलयुग के लिए जो महामंत्र है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहती है कलयुग का ये महामंत्र। हमें आकर के कोई नया नाम हमें नहीं निकालनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आ करके ना, वो भगवान है लेकिन वो भी तो कोई नया नाम निकाल सकते थे, इसलिए उन्होंने शास्त्र में जो नाम है उसी नाम को उन्होंने किया। इसलिए महाप्रभु जो राय रामानंद संवाद में जब महाप्रभु ने पूछा कह राय साधर निर्णय, तो राय रामानंद ने क्या बोले? बोले स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति आय। उन्होंने बंगला भाषा में पहले बोले स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति आय, है जो जिस धर्म में है जिस वर्ण और आश्रम में है उसमें रह करके अपना धर्म को जाजन करने से विष्णु भक्ति होता है। महाप्रभु बोले देखो अपना बात मत कहा करो, शास्त्र में कहां पर बता, सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन। जब कोई चीज को प्रमाण दो, ऐसे नहीं तुमने तुम्हारी मन में जो आया तुमने बोलना शुरू कर दे, नहीं। सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, जब किसी चीज को प्रमाण दो पुराण में क्या लिखा हुआ ये बात बताओ। देखो ये प्रभुपाद का समय में ना, प्रभुपाद का समय में और उसको पहले रामानुज संप्रदाय का समय में देखो, जब बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते थे शास्त्रा करते थे, ऐसे नहीं शास्त्र वास्त्र कुछ पढ़े ही नहीं, श्लोक फ्लोक कुछ जानते नहीं, जाकर कहीं प्रचार करना शुरू कर दिया। पहले इतना आसानी नहीं था, है इसलिए रामानुज आपके जीवन में आता है। जो मायावादी लोग होते थे, जो वैष्णव लोग होते, पूरा गाड़ी में सारे पुराण को लीक करके, सारे गाड़ी में पुराण को लीक करके, पुराण को ले करके गाड़ी में चलते थे। जब प्रमाण देते थे गीता का इतना अध्याय का इतना नंबर श्लोक, भागवत का इतना है, इतना स्कंद का इतना अध्याय का इतना नंबर श्लोक, वेद का अमुक श्लोक, पुराण का अमुक श्लोक, ये खुद नहीं बोलते थे, मैं बोल रहा हूँ। कहते ये पुराण में ये लिखा हुआ देख लो पुराण में। इसलिए कहते प्रभुपाद का समय में एक बार क्या हुआ जानते हो? प्रभुपाद का समय में गए कुछ ऐसे भक्त लोग थे जो प्रभुपाद का मुंह से कथा सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते वो श्लोक भी याद हो गया था और कथा सुनते सुनते सब कथा सीख गए थे। और कहीं जाते थे ना और ऐसे अद्वैत ज्ञान पर तत्व प्रति प्रचंद्र ऐसे ऐसे वाक्य बोलते थे, शब्द बोलते थे, लोग सुनकर बोले वाह रे इतने बड़ा विद्वान, इतने बड़े पंडित हैं। एक समय किसी गांव में गए, जब किसी गांव में गए प्रचार करने के लिए, तब वहां पर पहले तो संस्कृत पढ़ते थे, अभी जैसे संस्कृत को 1.5 लाख कर दिया, पहले संस्कृत पढ़ते थे, बड़े बड़े पंडित होते थे। उन्होंने किसको साथ में भैंस हो गया है, किसी गांव में पंडित के साथ में बड़े भैंस भैंसबाजी हो गई, तो बोले कल विचार होगा। जब कल विचार होगा, अभी उन्होंने आए ब्रह्मचारियों को लेकर गए थे, इनको पास में तो कोई पुराण ग्रंथ नहीं था, बोले शास्त्र ऐसे नहीं तुम जो बोलोगे, नहीं शास्त्र में कहाँ कहाँ पर क्या बताए, कलयुग में महाप्रभु आएंगे कहाँ प्रमाण है, कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन कहाँ प्रमाण है, कहाँ वेद में कहाँ पुराण में, कल प्रमाण को साथ में बोलना पड़ेगा। अभी ये लोग तो कोई ग्रंथ लेकर गए नहीं, दो चार कोई ग्रंथ होगा, इतने में वो डर गए। प्रभुवाद का समय में भक्त लोग मतलब क्या करना पड़ेगा, तब उसमें एक महाराज थे बड़े बुद्धिमान, बोले कोई चिंता मत करो, बोले एक काम करो, बोले ईट ले आओ, ईट के ऊपर में कागज को है, ईट के ऊपर कागज को ले आओ, सफेद कागज ले आओ, ला करके ईट के ऊपर अच्छे तरह से बांध बांध करके ऋग वेद लिखो, अथर्व वेद, जदुर्वेद,
ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद भगवत गीता भागवत, उसको लिखो, लिख करके गाड़ी के अंदर ऊपर रखो, गाड़ी के ऊपर में है, गाड़ी के ऊपर में सब ईंट को ग्रंथ रूप में रखो, रख करके गाड़ी को साथ लेकर के हम जाएंगे वहीं पर शास्त्रार्थ करने के लिए। लेकिन ये लोग तो श्लोक तो जानते थे, जैसे गौड़ीय कंठार देखो प्रभु जी, तुम लोग जो गौड़ीय कंठार पढ़ा रहे ना, कहीं अगर अभी तो इतना विद्वान है नहीं, कहीं अगर तुम लोग गए दूसरे संप्रदाय का कोई लोग हो, अगर जैसे गुरु तत्व कोई ग्रंथ तुम लोग पढ़े ही नहीं, लेकिन गुरु तत्व का श्लोक याद किया गीता में, अमुक श्लोक गीता में, उपनिषद में अमुक नंबर का श्लोक, हाँ तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न से भैया भगवत वेद में कहते जस्य देव पराभक्ति जतन, अगर ये श्लोक को याद है और तुम लोगों का जो ये नंबर याद अगर बोलना शुरू करोगे ना, क्या समझेंगे, अरे बाबारी इतने सारे ग्रंथ पढ़ रहे, लेकिन ग्रंथ का गर्व पढ़े नहीं है, लेकिन श्लोक, इसलिए ग्रंथ का नाम प्रभुपाद ने गौड़ीय कंठहार नाम रखा, इसलिए प्रभुपाद ने गौड़ीय कंठहार मतलब गौड़ियों का ये कंठहार है। इसलिए जब हमारे भक्ति रंजन सागर महाराज हमारे मंदिर में जो आचार्य जी है ना, जब ये मंदिर में आए हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले उन्होंने हमारे मेरे गुरुदेव उनको ये गौड़ीय कंठहार दिया, बोले ये गौड़ीय कंठहार लो और ये गौड़ीय कंठहार का श्लोकों को तुम लोग याद करना है, क्योंकि उसमें गुरु तत्व भगवत तत्व प्रेम तत्व नाम तत्व सारे तत्व उसमें दिया गया, बस उसे ग्रंथ को याद कर लिया तो समझो बड़ा पंडित हो गया। उन्होंने क्या क्या ऐसे गाड़ी के ऊपर रखे, बोले चलो एक बैल बुलाओ, बैल को लगा करके लेकर चलो, बोले हम इतने सारे ग्रंथों को लेकर के आए, हम आज शास्त्रार्थ करेंगे। वो गांव में हल्ला हो गया, बोले जानते हो जो गौड़ीय मठ वाले इतने सारे ग्रंथ पूरा एक बैल गाड़ी में लद करके, इतने सारे ऋग वेद चतुर्वेद अथर्व वेद पता नहीं कौन सा ब्रह्मांड पुराण, हाँ स्कंद पुराण, भैया हम तो पढ़े नहीं सब ग्रंथ को, देखे ही नहीं है भैया, इनको साथ में हम शास्त्रार्थ नहीं करते। उन्होंने कोई नहीं आए वहां पर कोई शास्त्रार्थ करने के लिए, कोई नहीं आया, और गौड़ीय मठ का बड़ा जय जयकार हो गया, गौड़ीय मठ का जय जयकार हो गया। इसलिए यहाँ पर इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, देखो सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, जब किसी चीज को प्रमाण दो, पुराण का वचन को साथ में प्रमाण, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गीता में ये बताए, भागवत में ये बताए, वेदों में ये बताए, पुराण में ये श्लोक है, ये पुराण का श्लोक है, नियम है ग्रंथ का प्रमाण को साथ में ये श्लोक को बोलनी चाहिए। इसलिए कलयुग का युग धर्म क्या है, महाप्रभु आकर के अपना मनमान भी, अब तक महाप्रभु ने जहां जहां पर कोई बात बताए उन्हें कोई मनमानी नहीं बताए उन्होंने, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही वेद पुराण किसने बनाया, भगवान तो बनाया ना भगवान, जब भगवान खुद बनाए, अगर भगवान नहीं मानेगा तो दुनिया में कौन मानेगा। इसलिए महाप्रभु का विचार है, कहीं भी प्रमाण बोलो तो शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, मेरे गुरु जी को ये स्वप्न मिला, मेरे गुरु जी को ये स्वप्न मिला, मेरे गुरु जी को ये नाम मिला, अरे सब गुरु जी को गुरु जी मिला से शास्त्र का क्या जरूरत। इसलिए महाप्रभु का है, जितने सारे भक्त लोग थे कौन सा नाम लेते थे, बोले रूप गोस्वामी, साक्षात रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी, लमंग मंजरी, स्वर्व दामोदर, राय रामंदर, ललिता विशाखा, ये क्या नई कोई नया नाम को नहीं निकल सकते थे, हा? नया नाम नहीं निकल, यहाँ तक भी महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य, श्री हरिदास ठाकुर को उनको बताए ये नाम की आचार्य है। अगर हमें भगवत प्राप्ति कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन के द्वारा होगा और किसको द्वारा होगा नहीं, और नाम का आचार्य कौन है, श्री हरिदास ठाकुर, इसलिए इनको ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, उन्होंने तो कोई दूसरा नाम किया ही है, उन्होंने तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को है 100,000 हरिनाम जोर जोर से करते थे, और 100,000 हरिनाम उपांशु, और 100,000 हरिनाम मन मन में करते थे, 3,000,000 हरिनाम करते थे। इसलिए हमें कौन सा नाम करनी चाहिए, इसलिए गौरव जे लो आईला नाम सही नाम लो, महाप्रभु ने जो नाम लिया पहले से शास्त्र में जो नाम लिखा हुआ है हमें वही नाम ही करनी चाहिए। ऐसे नहीं स्वप्न में मिला इसमें, कहते भैया ये निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, इसमें दोष किया है, तो बोलते उसमें दोष किया, देखो ये चीज को समझ लो, इसमें दोष किया है,
कहते दोष ये है, कहते निताई गौर राधे श्याम, नित्यानंद प्रभु कौन है, ये बलदेव प्रभु बड़े भाई, गौर कौन है, ये छोटे भाई है, कृष्ण ही गौर है, और नित्या ही कौन, श्री बलदेव प्रभु, और उनको साथ में राधे श्याम, राधे कौन है, कहते ये छोटे भाई कृष्ण का ही शक्ति श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी। श्री बलदेव प्रभु कौन हो गए, जेठ, बलदेव प्रभु कौन हो गए, जेठ भाई बहु, उड़िया में क्या बोलते हैं, डेढ़ सुर भाई बहु, इसलिए कहती ये हो गए जेठ, और जेठ को साथ में बड़े भाई को साथ में राधा रानी, ये कृष्ण की शक्ति है, पर उनको साथ में कैसे रहेगा, उनके साथ रह नहीं सकते, इसलिए जब जब महाप्रभु कोई भी कहते नहीं सब अप्राकृत वस्तु है, उसमें सब जेठ और भाई बहू में क्या मतलब, कहते नहीं, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की भाव में अभिष्ट होते थे, नित्यानंद प्रभु उनको धारण करते थे, लेकिन जब जब देखते थे महाप्रभु राधा जी की भाव में विभावित है, नित्यानंद प्रभु अलग हो जाते थे, उनको नहीं पकड़ते थे, उनको नहीं धरते थे, उनको धरते नहीं थे, दूर हो जाते थे उस समय, है इसलिए कहते ये राधा जी नाम, इसलिए नाम अपराध, एक तरह के नाम अपराध है, ये शुद्ध नाम नहीं, नामाभास है, नामा अपराध है ये, है और ये उसको क्या बोलते हैं, नामा अपराध रसाभास, ये कहते ये रसाभास दोष इसमें है, गुरुजी की बात करते रसाभास दोष है, इसलिए ये नाम का हमें नहीं करनी चाहिए, रसाभास नाम है, वो नाम करनी चाहिए शास्त्र में जो लिखा हुआ है। और एक बात फिर कहते हैं, कहते भैया नित्याय गौर जपो, नित्याय गौर राधे श्याम जपो, हरे कृष्ण हरे राम, कहते ये हरि नाम को जोर जोर से नहीं करनी चाहिए, इसको मन मन में करनी चाहिए, हैं इसको जोर जोर से नहीं करनी चाहिए, जोर जोर से नहीं करनी चाहिए, कहते जोर जोर से नहीं करनी चाहिए। हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे, उसमें जो 1 लाख हरिनाम करते थे कैसे करते थे, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जोर से बोलो, हरे राम राम राम, और जोर से एक बार बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है इसलिए 1 लाख हरिनाम जोर जोर से करते थे। हरिदास ठाकुर करते कि नहीं, जब उनको पूछा गया भैया तुमने, हमने सुना किसी मुसलमान ने पूछा, हमने सुना मंत्र तो धीरे धीरे करनी चाहिए, तुम चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ फाड़ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्या दुनिया को सुना रहे हो क्या, क्यों इतने जोर जोर से गला फाड़ फाड़ करके हरे कृष्ण जप कर रहे हो, किस लिए? तब हरिदास ठाकुर ने क्या उदाहरण दिया, बोले देखो एक व्यक्ति कमा करके अपना पेट पालता है, है? जब इस चीज को सुनो ध्यान से, कहीं गांव में जाओ ना, इस बात पर बड़ा लड़ाई होता है, मैंने किसी उड़ीसा देश में किसी गांव में गया था, उड़ीसा में ही वो सब ऐसे ही लोग है, कुछ लोग आकर के हमें सिखाए थे क्या, बोले महाराज जी ये लोग निताई गौर राधे श्याम करते, फिर मैंने उनको बैठाया, उनको बैठा करके अच्छे तरह से उनको दिमाग में अच्छे तरह से ठोस ठोस करके उनको दिमाग में बैठाया, है फिर तभी से उन्होंने गाँव में पूरा निताई गौर राधे श्याम नाम को करना उन्होंने छोड़ दिया, पूरा का पूरा छोड़ दिया हम लोगों ने। मैंने अच्छे तरह से उनको समझाया क्यों करनी चाहिए, किस लिए नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब उन्होंने बोले एक बात बताओ, एक व्यक्ति कमा करके खुद पेट पालता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन है? बोले जो परिवार को खिलाता है। बोले उसी तरह जो मन मन में हरि नाम करता है वो अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जो उच्च स्वर से हरि नाम करता है, जैसे लता पता पेड़ पौधा पशु पक्षी ये सब के सब कोई हरि नाम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं ये सब तो ब्रह्म हैं, उनको कानों में भी हरि नाम पड़ता है, पढ़ने पर क्या होता है, उनका भी कल्याण होता है, उनका भी उद्धार होता है। इसलिए उन्होंने एक श्लोक को उद्धृत किया, कौन सा श्लोक है, जब तो है किसको किसको याद है बोलो, जब तो हरि नामान स्थाने सतगुणाधिक, इसलिए
उसमें श्लोक उन्होंने उद्धृत करके बता, इस श्लोक याद कर लेना, जब तो हरिनामान स्थान सत गुणाधिक आत्मनाथ तो पुण्य चुत है। इसलिए वहां पर बोले जो मन मन में हरिनाम करते हैं उनको जब जो फल की प्राप्त होती है, जो उच्चे स्वर से हरिनाम करते हैं उनको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है, 1-2 गुण नहीं, कितना गुण कहते 100 गुण ज्यादा उनको फल मिलता है। इतने महिमा उच्च संकीर्तन नाम करने से इतने फल है। इसलिए महाप्रभु ने क्या बताए है, महाप्रभु बताए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कीर्तन नहीं बताए। संकीर्तन किसको कहते हैं, बहु भी मिलता जदैव कीर्तनम तदैव संकीर्तन, जहां पर बहु लोग मिल करके एकत्रित होकर के उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। भागवत में देखो पहले कलेर दोषनिध राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्तम बद परम प्रजेत है। और इसलिए क्या श्लोक है, श्लोक बोलो कौन सा, इसलिए कृष्ण वर्णम तिशाम कृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस। यहाँ पर भी संकीर्तन शब्द बताया, एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकूत भयम जोगी नाम निपनिरित हरे नामानो कीर्तनम। यहाँ पर भी कीर्तन नाम बताया है, इसलिए कहीं संकीर्तन कहीं कीर्तन नाम बताए। इसलिए जो लास्ट श्लोक कौन सा श्लोक है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। इसलिए भागवत बहुत सारे श्लोक बताए, वहां पर भी कहीं संकीर्तन कहीं कीर्तन का नाम वहां पर बताए है। इसलिए जब हाँ, और एक उदाहरण दिया है हरिदास ठाकुर है, जब वेश्या वहां पर गई, वेश्या वहां पर गई, वेश्या गई तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोले, बोले देखो अभी तक मैंने अपना संख्या माला पूरी नहीं किया, तो जो इच्छा लेकर के आई हो मैं अब तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा, तुम वहां बैठो, बैठ करके तुम सुना। तो हरिदास ठाकुर धीरे धीरे बोल रहे थे ना, मन मन में बोल रहे थे, इनकी कीर्तन सुनते सुनते ही उनकी बुद्धि बदल गई है। इसलिए बोले सुना वहां पर सब सुना, तुम सुना। उस समय हरिदास ठाकुर मन मन में नहीं कर रहे थे, हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, मन मन में हरिनाम नहीं है। इसलिए वो सड़ गोस्वामी जो अष्टक में एक श्लोक है, जब क्या श्लोक है, श्लोक क्या श्लोक बोलो, महाप्रभु कैसे कीर्तन करते थे, सड़ग स्वामी ने लिखा है क्या श्लोक है, इसलिए संख्या पूर्वक नहीं, वो महाप्रभु का अष्टक है, रूप गोस्वामी ने लिखे है, महाप्रभु का अष्टक में रूप गोस्वामी ने लिखे है, एवं क्या क्या श्लोक है, उस श्लोक में मैं अभी बहुत दिन बोलना छोड़ दिया ना, इसलिए मैंने भूल गया है। इसलिए हरे कहा, हरे कृष्ण ईत उच्चई, हरे कृष्ण ईत उच्चई स्फुरित रसना नाम गरणा कृत ग्रंथि श्रेणी सुभग कटि सुत उज्ज्वल कर। वहां पर बताए हरे कृष्ण ईत उच्चई, ये महाप्रभु का बार में श्री महाप्रभु का अष्टक में रूप गोस्वामी कहते महाप्रभु जो हरिनाम करते थे, हरे कृष्ण इति उच्चई, हरे कृष्ण नाम को कैसे करते थे, उच्च स्वर से महाप्रभु हरिनाम कीर्तन करते थे महाप्रभु। फिर और एक कहते और एक बंद कर, इसलिए और एक उसमें फिर गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, ये सब सबके सब जो बाबा जी लोग है ना सब उल्टा पुलटा बोलते, क्या बोलते, बोले नहीं केवल जो हरिनाम महाप्रभु था ना, यह जब किया सब करिया निर्बंध, केवल जो हरिनाम कीर्तन केवल माला में करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए, केवल निर्बंध पूर्वक संख्या रखकर करनी चाहिए, अलग समय में हरिनाम नहीं करनी चाहिए। ये और एक और पता नहीं नया नया कहाँ से उन लोगों ने नई नई कहाँ से मतवाद को उन लोगों ने जन्म दिया है, नई नई मतवाद को। इसलिए महाप्रभु जब जाते थे कीर्तन करते करते
हरिनाम कीर्तन करते क्या माला था उस समय जब भक्त लोगों को लेकर के महाप्रभु कीर्तन करते थे, क्या उस समय सबके हाथ में माला था? बगर माला के सबके सब कीर्तन बजीरा वृंदांग को लेकर कीर्तन करते करते जाते थे, तो वहां पर माला कहाँ पर था? इसलिए उन लोगों ने अलग अलग मतवाद को निकाल करके ना लोगों का बुद्धियों को एकदम बुद्धि को हरे कृष्णा एक ग्रंथ है, होगा तो मैं कल वो ग्रंथ को प्रभुपाद का लिखा हुआ है, नाम किरण कणिका, नाम किरण कणिका, क्या वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया है, है? ये प्रभुपाद का समय में ये छपाई हुआ ग्रंथ को कल हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताए कहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या क्या प्रश्न और प्रभुपाद ने कैसे कैसे उन्होंने उसको खंडन किया, बहुत अच्छी ग्रंथ है, कल ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, आप लोग उसको सुनोगे तो आपको मन में बड़ा ताकत मिलेगा। इसलिए कलयुग महाप्रभु इसी जगत में जो आए हैं, आने का कारण क्या है? पहला जो एक मुख्य कारण है और एक गौण कारण है, हैं? गौण कारण में गौण में एक गौण और गौण में एक मुख्य, कहते गौण में जो गौण कारण है ये क्या है? ये कलयुग नाम है, कलयुग धर्म है, नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सच्चिदानंद। इसलिए महाप्रभु को जब भक्त लोग ने पूछा, महाप्रभु को किसने पूछा, भैया तुम ये नाम लेते हो, ये नाचते रहे क्यों है, ये नाच क्यों रहे हो, है? कभी लोट पोट खाते हो, कभी नाचते हो, कभी रोते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो महाप्रभु ने क्या बताया, बोले गुरु मरे मूर्ख देखी करिला शासन, बोले तुम्ही मूर्ख, तुम्हारे वेदांते नाही अधिकार, कृष्ण नाम जब ही सर्व मंत्र सार। तो उन्होंने बोले देखो गुरु मेरे को मूर्ख देख करके बोले देखो तुम्हारी वेदांत में अधिकार नहीं है, तुमको ये हरिनाम कीर्तन मैंने दिया है, तुम ये हरिनाम कीर्तन को तुम जप करो, और गुरु को आज्ञा मान करके मैंने क्या किया, ये हरे कृष्ण महामंत्र को मैं जप करता हूँ, और जप करते 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 एक दिन देखा मेरे बुद्धि एकदम नाम करते करते मेरे जैसे मैं पागल हो गया, और अगर क्या देखा श्री वृंदावन में बड़ी सुंदर जमुना किनारा, जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, बड़े सुंदर कदम का वृक्ष है, और उसको नीचे श्याम रंग का एक सुंदर बालक बंसरी बजा रहा है, और मैं दर्शन करते मेरे को उसने इसे बुलाया, और मैंने देख करके उसको पकड़ने के लिए भागा, जब उनको पकड़ लिया देखा वहां पर है ही नहीं। इसलिए जब जब मैं ये हरिनाम कीर्तन करता हूँ तब तक मैंने वृंदावन में यमुना किनारा में कदम वृक्ष को नीचे कृष्ण को मैं बंसरी बजाते हुए देखता हूँ, भैया यही हरिनाम का यही असली फल है, यही हरिनाम का फल है। इसलिए महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए थे वहां पर एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण बड़े शंका में था, वो एक प्रश्न कहते कलयुग में साधन किया और कलयुग में साध्य किया, साधन और साध्य किया है, उन्होंने अलग अलग लोगों को उन्होंने सबको पूछा, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग सबके सब उत्तर दिया, एक ही उत्तर किसी ने नहीं दिया, अलग सबके सब अलग अलग उत्तर दिया, इसलिए वो ब्राह्मण बड़ी भ्रमित में था। लेकिन उन्होंने रात को स्वप्न देखा, एक सुंदर एक महापुरुष आया, उन्होंने स्वप्न देखा, जब उनको प्रश्न किया तब उन्होंने उत्तर दिया, देखा सचमुच से दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया, दर्शन करते हुए तब महाप्रभु को चरण में आकर के बोले प्रभु मैं बहुत शंका में, बोले बताओ क्या प्रश्न, बोले कलयुग में साधन किया और कलयुग में साध्य किया है, मैंने बहुत लोगों को ये प्रश्न किया लेकिन लोगों ने सबके सब अलग अलग उत्तर दिया, कोई एक उत्तर नहीं दिया, प्रभु आप कृपा करके बताओ कलयुग में साधन क्या, कलयुग में साध्य किया। तो महाप्रभु ने क्या बताया,
बोले कलयुग में साधन ही हरि नाम संकीर्तन है, कलयुग में और वही साधन नहीं, इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते वो गति रहने का। बोले यहाँ तीन तीन बार क्यों बताया, पहला लाइन में हरे नाम हरे नाम ई व केवलम, और दूसरे लाइन में भी नहीं नहीं नहीं, बोले तीन तीन बार क्यों बताया। बोले पहला कारण बताया, अगर किसी बात को अगर तीन बार बोल दो ना क्या हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है, त्रिसत्य हो जाता है, एकदम पक्का हो जाता है। बोले दूसरा कारण है क्या, बोले दूसरा कारण ये है कि जो कलयुग का जो जीव है ना, एक बार बोलने पर ये सुनेंगे नहीं, इनको एक बार बोलने पर ये नहीं सुनेंगे हैं। बोले हाँ बोले तो है, तब भी थोड़ा इधर से हाथ मारेंगे, थोड़ा उधर हाथ मारेंगे, थोड़ा मतलब जो कर लो, थोड़ा तपस्या कर लो, थोड़ा इधर उधर कर लो, थोड़ा ज्ञान कर लो, थोड़ा कर्म में जाओ, ये नहीं सुनेंगे। इसलिए क्या बोले, तीन तीन बार बोले कलयुग में भगवान का नाम छोड़ करके और कोई उपाय नहीं, यही हरि नाम ही जब करते 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 एक दिन नाम ही एक दिन ये नामी रूप में प्रकट हो जाएगा, नामी रूप में प्रकट हो जाएगा। इसलिए कलयुग में साधने ही हरि नाम, और साध्य क्या है, पर साध्य भी यही हरि नाम, ऐसे नहीं दूसरे दूसरे मार्गों में साधन एक अलग और साध्य दूसरा है, लेकिन ये भक्ति जगत में भक्ति ही साधन और भक्ति ही साध्य है, हरि नाम ही साधन है, और लास्ट में मिलेगा क्या तुमको, हरि नाम ही मिलेगा, और तुम्हें हरि नाम ही मिलेगा। इसलिए अयर मुक्त कुलैर रूपा समानम हरि नाम संश्रयामि, इसलिए मुक्त कुल अवस्था में भी है, मुक्त अवस्था में गोस्वामी लोग क्या करते हैं, हरिनाम करते थे, गोपियां क्या करती हैं, राधा रानी क्या करती हैं, कहती है जो हरे कृष्ण महामंत्र ये सबसे पहले किसके मुंह से निकली है, ये हरिनाम महामंत्र को किसने सबसे पहले किसके मुंह से हरिनाम निकली, बोला किसके मुंह से, किसके मुंह से सबसे पहले हरिनाम, किसकी मुंह से ये हरिनाम निकली है, किसने ये मंत्र को किसने सबसे पहले बोला, बोला किसने बोला, इसलिए इसलिए हमारे गुरुदेव ने वो ग्रंथ में दिया है जो हरिनाम महिमा में सबसे पहले राधा रानी के मुंह से कृष्ण विरह में ही है। इसलिए कहते एकदा कृष्ण विरहात धायंत्री प्रिय संगमम मनोवांछ निराशाई जल्प इति मुहुर मुहु है। कहते श्रीमती राधा रानी एक समय कृष्ण विरह में कृष्ण संग को प्रार्थना करने के लिए उन्होंने सबसे पहले राधा रानी के मुंह से ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राधा रानी का मुंह से सर्वप्रथम ये नाम राधा रानी का मुंह से निकली हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए इसलिए बोले हरी से बड़ा हरी का नाम, हरी से बड़ा हरी का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरी से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बोलो हरि का, जोर से बोलो आज इस सागर को लग सके ना बिना ही फूल घेरा विराज राज, बोलो सागर को लग सके ना बिना ही फूल घेरा विराज, कूद गया हनुमान उसी को, कूद गया हनुमान लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम
राधे राधे। जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, साड़ी के चतहारा दुशासन, साड़ी के चतहारा दो आसानी बढ़ाए क्या हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। ओ दिल वाले डूब जाएंगे जीने में नहीं है राम, राधे राधे ओ दिल वाले डूब जाएंगे जीने में नहीं है राम, राधे राधे। नाम को चिंता रहती है, नाम को चिंता रहती है, नाम को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, चिताई गौरंग जय चिताई गौरंग, चिताई गौरंग जय चिताई गौरंग, जय सच्चिदानंद जय गौरहरि, चल जय सच्चिदानंद जय गौरहरि, जय सच्चिदानंद जय गौरहरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोला हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, सब बोले जोर जोर से सब देखे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
नाथ मदन मंदिर जय लीला प्रभु शशल भक्त प्रभु सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय लीला प्रभु शशल भक्त प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज की जय लीला प्रभु शशल भक्त वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय लीला प्रभु शशल भक्त वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय लीला प्रभु शशल भक्त वेदांत स्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्त तुलसीदेव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा कुलंदर दामोदर की जय सर्वभूष्ट वृत्ता गिरिराज महाराज की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर परमानंद की जय चैतन्य भागवत कली बोली।